हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। आज का टॉपिक ओपेम के बारे में, जो मॉस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन में जो ओपेम लगा रहता है जिसका नंबर 3140 उसके बारे में। अब इधर देख सकते हो एक ओपेम लगा है जिसका नंबर 3140, ये एक नंबर पिन है, इसे काउंट करके ये 8 नंबर पिन है इस आईसी का। आप देख सकते हो एक नंबर और 5 नंबर जो पिन है ये ऑफसेट नाल है, इसको मैं छोड़ दिया हूँ। और 2 नंबर पिन आप देख इसका है इन्वर्टिंग इनपुट, 3 नंबर पिन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 4 नंबर पिन ग्राउंड, 6 नंबर पिन आउटपुट, 7 नंबर पिन वीसीसी सप्लाई है, 8 नंबर पिन स्टोरेज या एनसी नॉट कनेक्टेड लगा रहता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर लगा दिया हूँ जिसका 100K करके रेजिस्टेंस, 100K पोटेंशियोमीटर है। इधर देख सकते हो इसका यहाँ पे ग्राउंड कर दिया हूँ, ये येलो कलर इधर सब ग्राउंड कर दिया हूँ। इस ग्राउंड को लेके मैं कंटिन्यूटी में दिखा रहा हूँ, इस ग्राउंड को लेके मैं इस ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ इधर ग्राउंड, और इधर से 2 पोटेंशियल के बीच से लेके एक इसका इन्वर्टिंग पिन में दे दिया हूँ, 2 नंबर पिन को, 3 नंबर पिन को नॉन इन्वर्टिंग को मैंने ग्राउंड कर दिया हूँ। इसका मतलब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आउटपुट आएगा। और मैं 2 पोटेंशियोमीटर इधर दिया हूँ वेरिएबल वोल्टेज देने के, एक पोटेंशियोमीटर, ये जो पोटेंशियोमीटर इसको मैंने सोचेंगे अभी कंसीडर करेंगे, ये पोर्ट है जो करंट सेट करता है उसका वो पोर्ट है, और ये जो है इसको मैं सोचूंगा जो मिडिल कार्ड से आता है, करंट शंट रेजिस्टेंस से करंट होके आता है, इस करंट वेल्डिंग करंट का फीडबैक दोनों एक ही जगह में दे रहा हूँ वायसिंग करके। तो फ्रेंड, मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई दे दिया। अब इधर देख सकते हो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे मैंने वोल्टेज दे रहा हूँ। तो देखिए मीटर में, फ्रेंड देखिए मिलीवोल्ट दे रहा हूँ। इधर जो आउटपुट है, अब इधर आउटपुट चेक कर सकते हो नेगेटिव के साथ 5 वोल्ट है, लेकिन ये जो दिया है ये करंट सेंस के लिए दिया हूँ, करंट सेंस के देख के रखा हूँ। अब इधर देखिए ऐसे दिया हूँ करंट सेंस, इधर पोटेंशियोमीटर में 5 वोल्ट दे रहा हूँ, 5 वोल्ट दिया हूँ। वो जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के पोटेंशियोमीटर से बीच से जो तार आता है उसको मैंने रेफर इसको कंसीडर किया हूँ इस पोर्ट को। अब देख सकते हो इतना वोल्टेज इधर दिया हूँ, इतना 1.6 मिलीवोल्ट जा रहा है इसका। इस आईसी का बहुत एम्पलीफिकेशन गेन बहुत हाई है, इसलिए अब इधर देख सकते हैं इस यहाँ से आउटपुट जो हो रहा है 5.6 हो रहा है, लेकिन मैं इसको ये जो मीटर पोर्ट है इसको करंट सेंस से के लिए कंसीडर किया हूँ, जो वेल्डिंग करने के टाइम में जो करंट रहता है उस करंट को। तो क्या ये चेंजेबल हो सकता है, ये जब वेल्डिंग करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा, तो वेल्डिंग किया इसलिए मैं इसको घुमा दे रहा हूँ। आप देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर मैंने दिया हूँ, अभी देखिए 300 आ गया मिलीवोल्ट, और इसका जो आउटपुट वो देखिए आप, आउटपुट घट गया, आउटपुट देखिए 4.9 हो गया। और इधर का जो वोल्टेज है, अब इधर का वोल्टेज चेक कीजिए,
1.9 हो गया, और उसके बाद देखिए इधर देखिए अभी घट गया, इसका आउटपुट वोल्टेज अभी देखिए 1 वोल्ट से भी कम है, लेकिन जब भी पोटेंशियोमीटर करंट बढ़ता है तब इधर आउटपुट बढ़ जाता है, देखिए और भी देखिए ऐसे होता है। तो फ्रेंड क्या होता है, ये जो मैंने ड्राइंग में दिखाया था आप लोगों को पहले वाले वीडियो में कंट्रोल कर के बारे में, इधर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर देखिए एक 8050 देखे इसका एक बायसिंग करके PWMIC 3525 का 9 नंबर पिन में फीडबैक या कॉम्पेंसेशन में ये पिन लगा रहता है, और ये जो पोर्ट है इसको करंट रेफरेंस देके रखते हैं, तो इसका वजह से यहाँ से आउटपुट वोल्टेज होता है। तो ऑपिंग अच्छा है कि खराब है कि अच्छा है आप लोग को चेक करने, कैसे चेक करेंगे आप लोग इधर देखिए पॉजिटिव के साथ यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर पिन में देख लिया, फिर इसको करंट को कम कर रहा हूँ देखिए, फिर करंट को ज़्यादा कर रहा हूँ देखिए घट रहा है, इधर घट रहा है, तो ऐसे घटेगा बढ़ेगा। तो पॉजिटिव के साथ रख के एक मीटर पोर्ट को पॉजिटिव के साथ रख के इसको इधर लगाने से यहाँ पे पोर्ट को आप पोर्ट को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे घटेगा बढ़ेगा देखिए, अभी देखिए वोल्टेज मैं इसको बढ़ा रहा हूँ देखिए घट गया, फिर से इसको करंट को कम कर रहा हूँ तो देखिए इधर बढ़ गया, ऐसे चेंज होगा। तो इधर ऑफएम आईसी ठीक है, अब लोग ऑफएम ठीक, अब लोग ऑफएम को नहीं चेक करना, उसके बाद वो जो सर्किट बना है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर देखिए उसके पिन में जो PWMIC में 9 नंबर पिन में जो कॉम्पेंसेशन है वहाँ पे जाके मीटर पोर्ट को रख के अब लोगों को एडजस्ट करके देखना है। देखिए मैं इसको घटा रहा हूँ जीरो हो गया, फिर इसको करंट सेंस को बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है। तो क्या होता है फ्रेंड, एक तो जो पोर्ट है वो तो फिक्स्ड करके रखता हूँ तो मिनिमम इतना ड्यूटी साइकिल में चलेगा, लेकिन उससे बाद ड्यूटी साइकिल घटेगा कैसे, जब उसका करंट ज़्यादा ले लेगा, तो करंट ज़्यादा लेगा तो इस यहाँ से करंट वोल्टेज ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज जब ज़्यादा जाएगा तो उधर ड्यूटी साइकिल घटा देगा, इसके वजह से करंट वेल्डिंग का करंट कम होगा, तो करंट इसके वजह से शंट का वजह से वोल्टेज घट जाएगा, फिर इधर से जब वोल्टेज घट जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ड्यूटी साइकिल फिर से बढ़ा देगा, तो ऐसे करके चेंज होता है। तो फ्रेंड ऑपएम को चेंज करने से पहले आप लोग ऐसे चेक कर लीजिए, और एक मीटर बोर्ड को 5 वोल्ट में रख दीजिए और ग्राउंड के ऑपएम का 6 नंबर पिन में मीटर बोर्ड रखिए, फिर यहाँ का जो पोर्ट है उसको आप घटाए बढ़ाए तो देखिए कैसे इधर हो रहा है, तो ऐसे वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा देखिए फ्रेंड ऐसे चेंज हो रहा है ठीक है, तो उधर भी चेंज होगा, तो आप लोग ऐसे करके ऑपएम को चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसमें इस कार्ड को देके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को और भी बेटर समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।